हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने सेमी ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसके एग्जांपल्स डिस्कस किए थे। अब नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो है मोनोइड। लेट जी स्टार बी अ सेमी ग्रुप। जी स्टार एक सेमी ग्रुप है। जी स्टार एक सेमी ग्रुप है, इट मीन्स यहाँ पे जी क्या है? जी तो है एक नॉन एम्प्टी सेट। और स्टार क्या है? स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है और साथ ही साथ वो ऑपरेशन एसोसिएटिव भी है। हमने सेमी ग्रुप की डेफिनेशन में पढ़ा था, ऑपरेशन बाइनरी होने के साथ साथ एसोसिएटिव होती है, तब जो सेट है वो सेमी ग्रुप बनाता है। तो यहाँ पे जी स्टार हम सेमी ग्रुप लेके चल रहे हैं, मतलब ऑपरेशन बाइनरी है और एसोसिएटिव है। देन जी स्टार इज कॉल्ड अ मोनोइड। तो जी स्टार एक मोनोइड कब बनेगा? इफ देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट इन सेट जी फॉर ऑपरेशन स्टार। अगर इस सेट जी में एक एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो इस ऑपरेशन स्टार के लिए, तो जी स्टार मोनोइड बनेगा। अब ये आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है, देखो आगे हमने बताया है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, जी के सभी एलिमेंट्स के लिए देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी। ये ई हमने आइडेंटिटी के लिए यूज़ किया, आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए। तो एक ऐसा एलिमेंट जी में बिलोंग करना चाहिए, कंडीशन क्या है? सच दैट ए स्टार ई इक्वल ई स्टार ए इक्वल ए, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट होगा जिसको किसी भी एलिमेंट के साथ, जी के किसी भी एलिमेंट के साथ अगर हम कंबाइन करेंगे, मतलब जी के किसी भी एलिमेंट और आइडेंटिटी एलिमेंट के बीच में ये ऑपरेशन स्टार लगाएंगे और ये एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़े और साथ में रिजल्ट वापस एलिमेंट ए आ जाए। यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा एलिमेंट है जो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद एलिमेंट में कोई इफेक्ट ना डाले। देखो यहाँ ए स्टार ई का रिजल्ट ए आ रहा है, यानी कि ई एलिमेंट ए एलिमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा, रिजल्ट ए ही आ रहा है। अब अगर हम एग्जांपल डिस्कस करें तो आपको क्लियर होगा। एन प्लस हमें पता है सेमी ग्रुप होता है, प्लस ऑपरेशन एसोसिएटिव होती है और प्लस के लिए नेचुरल नंबर का सेट क्लोज्ड भी था, यानी कि प्लस नेचुरल नंबर के सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन भी थी। तो अब हम ये चेक करेंगे कि क्या इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, यानी कि क्या एन प्लस एक मोनोइड है या नहीं। तो प्लस के लिए ऐसा कौन सा एलिमेंट होता है जिसे किसी भी एलिमेंट में जोड़ो तो वो रिजल्ट को अफेक्ट ना करे? ज़ीरो। ज़ीरो किसी भी एलिमेंट में जोड़ोगे तो रिजल्ट वही सेम एलिमेंट आएगा। हम वन प्लस ज़ीरो करेंगे तो वन आएगा, ज़ीरो प्लस वन करेंगे तो भी वन आएगा, टू प्लस ज़ीरो करोगे टू आएगा, ज़ीरो प्लस टू करोगे तो भी टू आएगा। यानी कि ज़ीरो एलिमेंट जो है वो एडिशन ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, लेकिन ज़ीरो नेचुरल नंबर के सेट में तो बिलोंग नहीं करता। नेचुरल नंबर्स तो 1, 2, 3, 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि n प्लस मोनोइड नहीं है। सेमी ग्रुप तो ये था और वैसे भी सेमी ग्रुप के बाद ही हम मोनोइड की कंडीशन पे जाते हैं, तो ये सेमी ग्रुप था लेकिन मोनोइड नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट बनता है वो है ज़ीरो और ज़ीरो इस सेट में बिलोंग नहीं करता। हमने साफ साफ कहा था देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन सेट जी। जिस सेट में हम आइडेंटिटी एलिमेंट, जिस सेट को मोनोइड बना रहे हैं उस सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, तो n प्लस मोनोइड नहीं है। अच्छा, इसी के साथ हम ना z प्लस भी अगर डिस्कस कर लें तो हमें ये भी पता है कि z प्लस जो है वो सेमी ग्रुप होता है। तो अब प्लस के लिए अगेन आइडेंटिटी एलिमेंट तो ज़ीरो ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो ज़ीरो हमें पता है बिलोंग करता है इंटीजर्स के सेट में, तो इंटीजर्स का सेट जो है वो प्लस ऑपरेशन के लिए मोनोइड है, ये मोनोइड है और ये नहीं है। अब हम एन डॉट यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए नेचुरल नंबर के सेट को डिस्कस करें अगर, तो
ये सेमी ग्रुप तो होता है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव भी होती है ऑपरेशन और बाइनरी ऑपरेशन भी होती है। अब हमें ये देखना है कि मोनोइड है या नहीं। तो पहले हम सोचेंगे कि मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा क्या। तो ऐसा कौन सा नंबर होता है जिसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट चेंज नहीं होता? वन, हमें पता है ना, अगर टू इंटू वन करोगे तो रिजल्ट टू ही आएगा, थ्री इंटू वन करोगे तो रिजल्ट थ्री ही आएगा। यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वन, और वन बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स के सेट में, यानी कि एन डॉट एक मोनोइड है। अब एन डॉट है मोनोइड, तो जरा सोच के देखो जेड डॉट होगा क्या मोनोइड, पहले तो ये सोचना। जेड डॉट सेमी ग्रुप तो खैर हमने डिस्कस कर लिया था, जेड डॉट सेमी ग्रुप है तो जेड डॉट भी मोनोइड होगा ना, क्योंकि डॉट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट वन होता है और वन तो इंटीजर्स के सेट में भी बिलोंग करता है। इसलिए एन प्लस मोनोइड नहीं है, जेड प्लस मोनोइड है, एन डॉट मोनोइड है, जेड डॉट मोनोइड है। ऐसे ही आप रियल नंबर्स के सेट, रैशनल्स के सेट, इन सब के बारे में सोच के देखना ये मोनोइड बनते हैं या नहीं। तो मोनोइड के बाद अगली डेफिनेशन है ग्रुप की। लेट जी स्टार इज अ मोनोइड, जी स्टार एक मोनोइड है, मतलब यहाँ पे जी एक नॉन एम्प्टी सेट है, स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन एसोसिएटिव है और इस ऑपरेशन के लिए इस सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। ये जो मोनोइड की कंडीशंस थी, तो ये जो जी स्टार है ये ग्रुप कब बनेगा? देन जी स्टार इज कॉल्ड अ ग्रुप, ये ग्रुप बनेगा इफ देर एग्जिस्ट एन इनवर्स एलिमेंट फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ जी इन जी। अगर जी के हर एलिमेंट के लिए एक इनवर्स एलिमेंट जी में ही एग्जिस्ट कर जाए तो ये जो मोनोइड है ये ग्रुप बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अगेन देखो, फॉर एवरी एलिमेंट लिखा है हमने, मतलब ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर गया तो ग्रुप बन जाएगा। जी के सारे एलिमेंट्स के लिए इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा तभी जी ग्रुप बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब ये इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है ये कैसे चेक करेंगे? तो इसकी कंडीशन बता रही हूँ मैं, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, जी में से कोई भी एलिमेंट ए ले लिया तो उसके लिए देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी। उसके लिए एक एलिमेंट बी जी में ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए कि जब हम इन दोनों पर स्टार ऑपरेशन लगाएं, ए स्टार बी या फिर बी स्टार ए, तो रिजल्ट क्या आए? आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द सेट। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कहते हैं बी इज इनवर्स ऑफ ए और वाइस वर्सा, ए इज इनवर्स ऑफ बी। यानी कि जी के हर एलिमेंट के लिए, हर एलिमेंट ए के लिए अगर एक ऐसा एलिमेंट बी एग्जिस्ट कर जाएगा कि दोनों पे स्टार ऑपरेशन लगाने के बाद रिजल्ट आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, तो हम कहेंगे कि जी में हर एलिमेंट का स्टार ऑपरेशन के लिए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और जी एक ग्रुप है। और अगर एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसका ऑपरेशन के लिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो जी ग्रुप नहीं बनेगा। अब हम एग्जांपल्स लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं एन डॉट के लिए। देखो ध्यान रखना, एग्जांपल जो है वो मोनोइड होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि ऑपरेशन एसोसिएटिव नहीं है या फिर आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रहा और आप ग्रुप चेक कर रहे हो, क्योंकि ग्रुप की डेफिनेशन में हमने पहले लिखा है कि वो मोनोइड होना चाहिए। तो एन डॉट हमने ले लिया, ये मोनोइड होता है नेचुरल नंबर के सेट के लिए। मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशन है ये बाइनरी ऑपरेशन भी होती है, एसोसिएटिव भी होती है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए इनवर्स एलिमेंट जो कि वन होता है वो नेचुरल नंबर के सेट में एग्जिस्ट भी करता है। अब हमें ये चेक करना है कि ये मोनोइड ग्रुप बनेगा या नहीं। तो सबसे पहले तो हम इसका आइडेंटिटी एलिमेंट लिख लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें पता है आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वन। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि क्या इस ऑपरेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए नेचुरल नंबर के सेट में हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक है, तो हम एक नेचुरल नंबर लेंगे और चेक करेंगे उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो एक नेचुरल नंबर ले लो कोई सा भी, मान लो मैंने थ्री ले लिया। ठीक है, तो इनवर्स कैसे चेक करते हैं? थ्री के लिए एक ऐसा एलिमेंट कि हम ये ऑपरेशन लगाएं दोनों के बीच में तो रिजल्ट आइडेंटिटी यानी कि वन आ जाए। मतलब हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसे थ्री से मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो वन आ जाए। तो हमें बहुत अच्छे से पता है थ्री को वन बाई थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आएगा,
इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी 3 का मल्टीप्लिकेशन के लिए इनवर्स एलिमेंट 1/3 है, लेकिन 1/3 जो है वो तो नेचुरल नंबर्स के सेट में बिलोंग नहीं करता, यानी कि इस 3 का इस ऑपरेशन के लिए इनवर्स जो है 1/3 वो नेचुरल नंबर्स के सेट में यानी कि इस सेट में बिलोंग नहीं करता। तो जैसे मैंने कहा, अगर एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो वो सेट ग्रुप नहीं बनेगा। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे बन जाएंगे, इनफैक्ट 1 को छोड़ के बाकी किसी का भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है ना वो खुद का इनवर्स होता है, यानी कि हर सेट में जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है उसमें उसका इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा ही, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमें पता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 ही आएगा, आइडेंटिटी ही आएगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट को छोड़ के बाकी किसी भी नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन के लिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ये जो है नेचुरल नंबर का सेट मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरे एग्जांपल हम ले लेते हैं, जेड प्लस इंटीजर्स का सेट और ऑपरेशन हमने ली है एडिशन। इस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0। ठीक है, हमें देखना है, ये मोनोइड है, हमें ये देखना है कि क्या ये ग्रुप है या नहीं। तो उसके लिए कंडीशन क्या है, हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए इस ऑपरेशन के लिए। तो चेक करने का तरीका, इसमें से कोई एलिमेंट ले लो, तो हम इसमें से 3 ही ले लेते हैं। ठीक है, अब 3 का इनवर्स ढूंढना है इस ऑपरेशन के लिए, मतलब हमें ये सोचना है कि 3 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि रिजल्ट 0 आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। तो हमें पता है अगर 3 में -3 जोड़ेंगे तो रिजल्ट 0 आ जाएगा, यानी -3 जो है वो प्लस ऑपरेशन के लिए 3 का इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स है। और हमें ये भी पता है -3 बिलोंग करता है इंटीजर्स के सेट में, तो इंटीजर्स के सेट में से एक एलिमेंट लिया हमने, उसका इस ऑपरेशन के लिए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा, एक एग्जांपल सफिशिएंट नहीं है, सभी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हमें बहुत अच्छे से पता है इंटीजर्स में जो प्लस वाले इंटीजर्स हैं उनके इनवर्स माइनस वाले होंगे और माइनस वालों के इनवर्स प्लस वाले होंगे। और जीरो की बात करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट है और आइडेंटिटी खुद का इनवर्स होता है, यानी कि इंटीजर्स के सेट में प्लस ऑपरेशन के लिए हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये जो है ये ग्रुप बनेगा। अच्छा, एक काम और करते हैं, हम जेड को मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी हमें पता है 1, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, हमें देखना है मल्टीप्लिकेशन के लिए इंटीजर्स में, इंटीजर्स के सेट में हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो हमने 3 ले लिया एक इंटीजर, मल्टीप्लिकेशन के लिए इसका इनवर्स क्या होगा, मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आइडेंटिटी यानी कि 1 आ जाए। तो हमें पता है वो नंबर होगा 1/3, 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 यानी कि आइडेंटिटी आएगा। बट 1/3 भी इंटीजर्स के सेट में बिलोंग नहीं करता, यानी कि एक इंटीजर 3 ऐसा है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इनफैक्ट 3 क्यों, किसी भी इंटीजर का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा आइडेंटिटी को छोड़ के, क्योंकि आइडेंटिटी तो खुद का इनवर्स होता है। ठीक है, तो ये जो इंटीजर्स का सेट है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप नहीं बनेगा। अब और भी एग्जांपल्स बन सकते हैं, जैसे कि रैशनल नंबर्स का सेट प्लस के लिए चेक करो ग्रुप है या नहीं, मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करो, रियल नंबर्स का सेट प्लस के लिए चेक करो, रियल नंबर्स का सेट मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करो, इनमें से कोई ग्रुप बनता है या नहीं बनता, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।